हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से साहू बुक डिपो में। तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में जितने भी अध्ययनरत स्टूडेंट हैं या जो भी इनमें एडमिशन लेना चाहता है स्नातक या स्नातकोत्तर, जिसे यूजी या पीजी कहा जाता है इंग्लिश में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई सूचना 3 अगस्त को जो है जारी हुई है। और ये संशोधित अधिसूचना, इसका मतलब ये है कि एक अधिसूचना इसके बारे में पहले भी जारी हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं ये है क्या चीज। तो सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय में जितने भी समस्त विश्वविद्यालय में या फिर शिक्षक विभाग में संचालित हो रहे कक्षाओं, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों में ऑनलाइन प्रवेश हेतु माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से प्रवेश हेतु तिथि में वृद्धि के संबंध में जारी अधिसूचना है, ठीक है। और ये जो है दिनांक जो है 31/7/2023 की संशोधित अधिसूचना द्वारा निम्नानुसार घोषित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन का माध्यम जो था उसमें जो है पंजीयन प्रारंभ होने की जो तिथि थी वो 1 तारीख से शुरू की गई थी, जो कि पहले जो है 10 तारीख 8 महीना था, 8वां महीना था, ठीक है। इसका मतलब ये है 10 तारीख 8वां महीना तक पहले डेट था, जो कि अभी घटाकर जो है वो 6 तारीख 8वां महीना कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी सूचना है। कारण क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो लास्ट डेट का वेट करते हैं, और मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि जैसे ही डेट आया आप 1 या 2 दिन के अंदर अपने फॉर्म को डलवा लिया कीजिए, किसी भी साइबर से या फिर हमारे साइबर से भी आप डलवा सकते हैं। तो वो घट गया है, 4 दिन कम हो गया है, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ आज 5 तारीख है, कल आपका 6 तारीख है। इसका मतलब यह है कि कल इसका लास्ट डेट रहेगा, और आप यकीन मानिए हाफ टाइम के बाद सर्वर जो है वो चलना जो है थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अलावा इस सूचना में क्या रहता है। ऑनलाइन माध्यम जो प्रवेश हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि, जैसे कि मैं बताया 10/8 से घटाकर कर दिया गया है, कितना हो गया है 6 तारीख कर दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को ऑनलाइन के माध्यम से संस्था के आवेदित अभ्यर्थियों को सूची उपलब्ध कराने के, तो ये है 12 बजे तक के, ठीक है। मतलब कि आप जो भी साइट से मतलब डालेंगे तो कॉलेज के यानी कि साइट से यानी कि विश्वविद्यालय को दिया जाता है, वो मतलब कॉलेज का है, वो अंदर की बात है, उस चीज को छोड़िए आप। 4th नंबर पे देख लीजिए क्या दिया। महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी करने के उपरांत शुल्क भुगतान कर प्रवेश किए जाने की तिथि बोल रहा है 7 से 8 अगस्त। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब ये है कि आप जो है जैसे ही इसका लिस्ट जैसे ही आएगा 6 तारीख का, है ना, ये हो सकता है 6 तारीख को आपका एडमिशन कंप्लीट हो यानी जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा, इसके बाद 7 तारीख से 8 तारीख के बीच ही आपको क्या करना रहेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। सूची हमारे साइट पे आपको मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये डाला रहता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश सहमति माध्यम नियमानुसार प्रवेश तिथि बोल रहे हैं ये है 9 से 14 अगस्त। इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है ये 7 तारीख से 8 तारीख के बीच सूची है, और 9 से 14 अगस्त के बीच आप लोगों क्या है प्रवेश की अंतिम तिथि रहे, ठीक है। ये चीज तो आपको कॉलेज से बहुत आसानी से पता चल जाती है। 6वें नंबर पे दिया हुआ है, ये भी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, रिक्त सीटों में उपस्थित क्रमांक अनुसार CUET 2023 के माध्यम से अनुसार प्रवेश की तिथि पृथक काउंसलर सह प्रवेश अधिसूचना संबंधित विभाग द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। ये चीज आप लोगों को ज्यादा काम का नहीं है। तो ये थी नई सूचना, है ना। ये जरूरी क्यों सूचना है मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि डेट जो है वो 6 तारीख कर दिया गया है ना, घटाया गया है, ठीक है, घटाया गया है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। अब इससे एक और जरूरी सूचना आप लोगों को दी जाती है कि जिन स्टूडेंट्स को घर बैठे फॉर्म भरवाना है, ठीक है, 7067502468, ठीक है, तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कीजिए, यह हमारे साइबर का नंबर है। इस साइबर के नंबर के व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स के फोटो मंगाकर, है ना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के जो भी यानी फोटो रहेंगे उसे मंगाकर आपका फॉर्म जो है घर बैठे भर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हाफ टाइम के बाद कल यानी कि 6 तारीख को हाफ टाइम के बाद जो है
सर्वर जो है थोड़ा बिजी रहने की संभावना है। अगर अच्छा चलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजी हो सकती है सर्वर। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, साहू बुक डिपो, इस नंबर नाम से इसे सेव कर लेंगे और इस पे आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, अगर सूचना अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके रखेंगे। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय या छत्तीसगढ़ में हर एक विश्वविद्यालय के बारे में सूचनाएं प्रसारित इस चैनल के माध्यम से की जाएगी, प्लस जो भी वैकेंसीज आएगी वो इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी आप लोगों को। और स्टडी मटेरियल का जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर तरह के मटेरियल ऑनलाइन माध्यम से आपको अवेलेबल कराई जाती है। चलिए गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।